विधानसभा हलका पूर्वी के जिहड़ा वार्ड नंबर 6 ब्यास हौजरी कंपलैक्स के जिहड़ा सीवरेज की प्रॉब्लम सी, लंबे समय तो सीवरेज नहीं पिया सी, उहदी शुरुआत हुई है। 45 लाख के काम नाल शुरुआत हुई है। तो ये तकरीबन हौजरी कंपलैक्स काफ़ी लंबे समय तो बनया हुआ है। जिन्नियां गरंटियां आम आदमी पार्टी सरकार ने, साडे हाईकमांड ने, श्री अरविंद केजरीवाल जी ने, साहब भगवंत सिंह मान जी ने, मुख्यमंत्री साहब ने जिन्नियां गरंटी दी है, अज एक एक करके पूरी हो रही है। 600 यूनिट की गरंटी शुरुआत हो गई है। आम आदमी क्लीनिकां बननी शुरू हो गई हैं। 30,000 तो उपर नौजवानों नौकरी मिल गई है। 35,000 कच्चे मुलाजम पक्के हो गए हैं। पंजाब के लोगों के पैसे जिहड़े सरकार को इकट्ठे होंदे ने, जिहड़े पुराने जिहड़े पार्टियां ने जिन्हें सरकार चलाईं, जिहड़े लुटते आए हैं, जिहड़े डाके मारते हैं लोगों के टैक्सा, तो वह असी उन्हां दे टैक्स इकट्ठे करके उन्हां वास्ते वापस दे रहे हैं और उन्हां दी बल्कि सेवा कर रहे हैं। क्राइम की गल करते हैं जां नशे की गल करते हैं, वो फैलाया किने इन्हां पार्टी ने, असीं तां उन्हां दे बीजे हुए कंडे चुक रहे हैं। वो कंडे चुक के सफाई करके पंजाब नूं रंगला पंजाब बनाउणा साडा मकसद है। सत श्रीकाल जी। लुधियाणा लाइव देखने वाले तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। 5 नंबर वार्ड के खड़े हैं जिथे कि उद्घाटन किया गया सीवरेज को लैके गलबात करते हैं। सत श्रीकाल सर। सत श्रीकाल जी, नमस्कार सारे जी। जी सर, की कहना चाहते हो जो अज का उद्घाटन किया? अज विधानसभा हलका पूर्वी के जो वार्ड नंबर 6 ब्यास हौजरी कंपलैक्स के जो सीवरेज की प्रॉब्लम सी, लंबे समय तो सीवरेज नहीं पिया सी, उहदी शुरुआत हुई है। 45 लाख के काम नाल शुरुआत हुई है। तो ये तकरीबन हौजरी कंपलैक्स काफ़ी लंबे समय तो बनया हुआ, तकरीबन 15 साल तो इत्थे हौजरी चलती है, इंडस्ट्री चलती है, पर इत्थे सहूलत नहीं सी कोई, क्योंकि आम आदमी पार्टी का एको मकसद है भी हरेक नूं सहूलत देनी है, क्योंकि जिहड़ी हौजरी है जां इंडस्ट्री है वो साडे मतलब रीढ़ की हड्डी है, उस तो सानूं रेवन्यू मिलता तो साडे मतलब कि पंजाब वासियों नूं मतलब काम मिलता वा। इस करके आम आदमी पार्टी का एको मकसद है, साडे मान साहब का, मुख्यमंत्री साहब का, साहब भगवंत सिंह मान जी का, बई हरेक नूं, चाहे वह इंडस्ट्री वाला, चाहे हौजरी वाला, चाहे वह दुकानदार, चाहे अपना नौकरी वाला, हरेक नूं वो सहूलत बराबर दिती जाए। तो हौजरी जे वधूगी मतलब काम वधिया ढंग नाल चलणगे तो नाल लोगों नूं रुजगार मिलेगा, तो नाल सरकार नूं रेवन्यू आऊगा, जिहड़े काम चलणगे। इस करके अज ये शुरुआत की है। तो आम आदमी पार्टी जी अपने काम कर रही है, अपना फर्ज पूरा कर रही है। विरोधी धिर पार्टी जी है, कॉन्फ्रेंस रखी जाती है, मीटिंग के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि जो 1,000 रुपया महीना लेडीज़ को किया गया हजे तक शुरू नहीं होया। इलेक्शन आते टाइम एक जो 2 महीने के पहला शुरू किया जाएगा। बिजली मुफ्त की गई है, लोगों को गुमराह किया जाता है, वेले बैठन से मजबूर किया जा रहा वा। आम आदमी पार्टी सरकार का एको मकसद है भी जेडे थोड़े लोगों के पैसे जिहड़े इकट्ठे सरकार को होंदे ने उन्हां वास्ते लाउणे, उन्हां दी सहूलत वास्ते लाउणे, उन्हां दी भलाई वास्ते लाउणे, वो कर रही है। जिन्नियां गरंटियां आम आदमी पार्टी सरकार ने, साडे हाईकमांड ने, श्री अरविंद केजरीवाल जी ने, साहब भगवंत सिंह मान जी ने, मुख्यमंत्री साहब ने जिन्नियां गरंटी दित्ती है, अज एक एक करके पूरी हो रही है। 600 यूनिट की गरंटी शुरुआत हो गई है। आम आदमी क्लीनिकां बननी शुरू हो गई हैं। 30,000 तो उपर नौजवानों नौकरी मिल गई है। 35,000 कच्चे मुलाजम पक्के हो गए हैं और करोड़ रुपया जिहड़े साडे जवान जिहड़े साडे मतलब कि बार्डर ते पहरा दिंदे, जिहदे करके असीं चैन दी नहीं सौंदे आ, जो वादा किया 1 करोड़ रुपए का वो उन्हां नूं दित्ता गया वा। और जिहड़े इह विरोधी ने, इन्हां ने 74 साल च किया कुछ नहीं, गल्लां ही कीतियां। इस करके पंजाब वासियों ने एक मतलब कि तब्दील लिआंदी है, बदलाव लैके आंदा वा। आम आदमी पार्टी सरकार नूं मौका दित्ता। और अगे की हुंदा सीगा, और जो 4 साल पूरे हो जाते थे जो वोटा टाइम आता सी उदों काम होंदे सीगे, पर आम आदमी पार्टी सरकार साढ़े मानयोग मुख्यमंत्री साहब भगवंत सिंह मान जी और शुरुआत तो जिदन सहु चुक ली उस दिन तो ही शुरुआत हो गई है। एक एक गरंटी मतलब कि पहले साल के सारिया गरंटियां पूरी हो गई, तो आने वाले समय के और जो भी काम होने वाले पंजाब सारे ही होंगे और जिन्नी गरंटी दी गई सारिया 100% दी जाने। सर कितने ना कि देखा जाए तो उन्होंने लगता कि आप जो फ्री का लालच दे रहे हैं लोगों को, आलस पै रहा वा, जोड़े काम करते हैं बिजली फ्री दे रहे हैं, महिलावान 1,000 रुपया दे रहे हैं, कितने ना कि उन्होंने आने वाली जनरेशन बिजली जी फ्री दे रहे हैं, लोड़वंद दे रहे हैं। 600 यूनिट 2 महीने का कि मचदा जिंकी मतलब कि बहुत घट कमाई है वो वास्ते दे रहे हैं। जेड़े 600 यूनिट तो मतलब बद मचा रहा वा वो बिल दे रहा वा, उस तो जिहड़ा मतलब कि बेचारा लोड़वंद जिहड़ा रोज़ कमा के खाने वाला उन्होंने मतलब सहूलत दी गई है ता कि वह भी बराबर आ सके। और आम आदमी पार्टी मानस की जात सभी एक पहचाने हो और सारे वास्ते बराबर, कोई जात पात नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, हरेक वनू 600 यूनिट फ्री और हरेक मेरे मतलब कि मेरी माता भैन 1,000 रुपया वह भी मतलब कि आने वाले समय दिता जाऊगा। और कहने का मतलब आ पंजाब के लोगों के पैसे जिहड़े सरकार को इकट्ठे होंदे ने, जिहड़े पुराने जिहड़े पार्टियां ने
जिन्हें सरकार चलाई जे लुटते आए ने जे डाके मारते हैं लोगों के टैक्सा तो वो असी उन्होंने टैक्स कट्ठे करके उन्होंने वास्ते वापस दे रहे हैं और उन्होंने मिल के सेवा कर रहे हैं। गल करिए क्राइम की, दोष लगाया जा रहा कि आम आदमी पार्टी के आने तो बाद ही क्राइम बढ़ रहा। तुम डाटा कट के देख लो पिछले मतलब 15 साल का, ज़्यादा लंबा ना जाओ, पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार रही है, उस तो बाद 10 साल पहला उस तो पहले अकाली दल की सरकार रही है, वो डाटा कट के देख लो और वो डाटे मुताबक अज कई गुणा क्राइम घट गया। पर जिहड़ा इन्होंने गंद खिलारिया हो, जिहड़ा कूड़ा खिलारिया हो दोनों पार्टियां ने, वो इकट्ठा करन थोड़ा समा जरूर लग रहा, जिहड़ा 74 साल का इन्होंने सिस्टम खराब किया उन्हें सही करन जरूर लग रहा। और जिहड़ा कह सकते गैंगस्टर और मतलब कि जिहड़ा आप गल करते हैं क्राइम की गल करते हैं जां नशे की गल करते हैं, वो फैलाया किने इन्हां पार्टियां ने, असीं तां इन्हां दे बीजे हुए कंडे चुक रहे हैं, वो कंडे चुक के सफाई करके पंजाब नूं रंगला पंजाब बनाउणा साडा मकसद है। सो अज 5 नंबर वार्ड दे विच जिहड़ा उद्घाटन किया गया सिवरज नूं लैके, सिवरज पैण लई नवें सिवरज पैण लई उद्घाटन किया गया, MLA सरदार दलजीत सिंह गरेवाल भोला जी वालों जिहड़े इत्थे पहुंचे सीगे उन्हां वालों उद्घाटन किया गया। इदां दीआं खबरां होर देखण लई जुड़े रहो लुधियाणा लाइव दे नाल। मैं मनदीप कौर कैमरा परसन हरजीत दे नाल।